राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। पुत्रदा एकादशी जो संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है, और अगर सही तरीके से इसके नियमों का पालन करके व्रत किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इस एकादशी के व्रत में गाय का विशेष महत्व है, गाय के दूध का विशेष महत्व है। तो अगर आपके पास गाय का दूध अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप गाय का गोबर मिल जाए या गाय के दूध से बना घी मिल जाए, तो आप किसी भी कोई भी एक चीज़ मिल जाए, आप उसका इस पूजा में यूज़ ज़रूर से करें। पुत्रदा एकादशी साल में दो बारी आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। तो इस एकादशी में आप श्री हरि के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल का जरूर से पूजन करें। ये देखिए, मैं इस तरह गाय के घी से लड्डू गोपाल की पहले मालिश कर रही हूँ और फिर इसके बाद पंचामृत से उन्हें स्नान करा रही हूँ। पंचामृत में मैंने दूध, दही, शहद, मिश्री और गाय का घी मिक्स करके इन पाँचों चीज़ों को बनाया हुआ है और गंगा जल भी ऐड किया है। तो पुत्रदा एकादशी में गाय, जो भी दंपति पुत्र कामना से इस व्रत को करना चाहते हैं, वो गाय की सेवा अवश्य से करें। और अगर गाय की सेवा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप गाय को एक रोटी ज़रूर से दें। अब देखिए, ये इस प्रकार से मैं लड्डू गोपाल को सादे जल से फिर स्नान करा रही हूँ, और ये देखिए लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं अपने बाथिंग टब में। फिर इसके बाद मैं उन्हें साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी, और फिर इसके बाद उनका अंग पोषण करने के बाद उन्हें इस तरह से कपड़े पहना के श्रृंगार करके उन्हें उनका विराजित कर दूंगी। फिर ये मैं कलश स्थापना कर रही हूँ। इस पूजा में आप कलश स्थापना ज़रूर से करें, क्योंकि ये विशेष कामना के लिए किए जाना वाला व्रत है, तो आप कलश की स्थापना ज़रूर से करें। वैसे नॉर्मली एकादशी में हम कलश स्थापना नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन इस एकादशी के व्रत में आप कलश स्थापना ज़रूर से करें। और कलश में मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं जो नॉर्मली कलश स्थापना में डालते हैं, और इस तरह से लाल कपड़ा आप ज़रूर से बांधें उसमें। और फिर इसके बाद ये अशोक के पत्ते मैंने लगाए हैं कलश में, और इस प्रकार से प्लेट के ऊपर तिल डाल दिए हैं। फिर इन तिल पर दीपक रखेंगे, हम दीप कलश स्थापना कर रहे हैं। फिर ये हम दीपक का पूजन करेंगे, दीपक पर चंदन कुमकुम अर्पित करेंगे, और फिर इसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। फिर इसके बाद किसी फूल की मदद से हमें गंगा जल से लक्ष्मी माता और श्री हरि की युगल फोटो पर छींटा देना है, और फिर इसके बाद हम श्री हरि का और लक्ष्मी माता का इस तरह से चंदन से तिलक करेंगे, गौ माता का, लड्डू गोपाल का, गणपति जी का, और इसके बाद गरुण देव का। गरुण देव का भी हमें श्री हरि की पूजा में ज़रूर से पूजन करना होता है। और इसके बाद देखिए, मैं रोली से तिलक कर रही हूँ, और ये स्थापना मैंने गणपति जी की पहले ही कर ली थी। गणपति जी की स्थापना करने के बाद मैंने श्री हरि की स्थापना की थी। इसके बाद ये देखिए, हम तिल अर्पित करेंगे। आज की पूजा में चावलों का यूज़ नहीं होता है, तो हम तिल का यूज़ कर रहे हैं, सफ़ेद तिल हैं ये। फिर ये देखिए, हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे श्री हरि और लक्ष्मी माता को, और गौ माता को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, और गणपति जी को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। ये मौली में मैंने इत्र पहले से ही लगाया हुआ है। और इसके बाद गरुण देव को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। आज की पूजा में आप लक्ष्मी माता के साथ श्री हरि की युगल फोटो रखें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लक्ष्मी माता को अलग से विराजित कर लें, पर दोनों को आप ज़रूर से रखें। ये देखिए, इसके बाद सभी भोग में मैंने तुलसी दल डाल दिया है। गणपति जी को हमने अलग से पेड़े का भोग रखा है, उसमें तुलसी दल नहीं डाला है, गणपति जी को तुलसी दल का भोग नहीं लगता है। और श्रीहरि के सभी भोग में और जल में हमें तुलसी दल अवश्य से डालना है। इसके बाद हम दीपक का पूजन कर लेंगे, दीपक पर चंदन कुमकुम ये अर्पित करेंगे, और फिर इसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें कथा पढ़नी होगी, तो हम ये कथा पुस्तिका का भी पूजन कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान को, गौ माता को चंदन रोली से तिलक करेंगे, और इसके बाद उन्हें तिल अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम पुत्रदा एकादशी की पूजा कर रहे हैं, तो हमें वही कथा पढ़नी होगी। हाथ में तिल और फूल लेकर हम पुत्रदा एकादशी का महात्म पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम भगवान की धूप दीप से आरती कर लेंगे। इस व्रत में, इस पूजा में गाय का इतना महत्व है, गाय की सेवा में इतनी शक्ति है, पुराने टाइम से ये बात सिद्ध होती है। राजा दिलीप
जिन्होंने अपने पुत्र राजा रघु को एक गाय की कृपा से ही प्राप्त किया था, और उन्हीं के नाम पर राजा राम का जो वंश है रघुवंश के नाम से विख्यात हुआ था। तो इसके बाद हम आचमन कर लेंगे, संपूर्ण पूजा का 3 बारी आचमन कर लेंगे, फिर लास्ट में हमें ये दक्षिणा निकालनी है और इसके बाद हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। इस दक्षिणा को हमें ब्राह्मण को ही द्वादशी वाले दिन देना होता है। आप खाना खिलाते हैं तो उसके साथ ये दक्षिणा दे दें, नहीं तो आप सूखा सामान निकाल सकते हैं, आटा, चावल, गुड़, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ों के साथ आप दक्षिणा को ऐड करके ब्राह्मण को दान कर दें। आशा है वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।